तरीके से बहुत कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पर हमारा वोट ना गिरने दें। अगर लेफ्ट का वोट अगर पड़ेगा तो आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आएगा बंगाल में। पूरी कोशिश यही है कि एक डराते हुए हिंसा के आधार पर और ज़बरदस्ती घटनाएं जो घटी है अभी तक जितने फेजेस हुए हैं कई सारे कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को दिया गया, एक्शन कुछ खास तरीके से हो नहीं रहा। लेकिन जनतंत्र की हत्या आज स्वयं देख रहे हो आप तृणमूल कांग्रेस के हाथ में यहाँ पे और पूरे देश में भाजपा के हाथ से। तो आज इन दोनों के खिलाफ इस विकल्प के लिए बंगाल की जनता तो तय कर चुकी है। आप देखिए वो जो नतीजे जब आएंगे उसके अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा। ভোটের পর যদি পরিস্থিতি হয় তৃণমূলের সাথে সরকার করার, তখন কি বামপন্থীরা সেই সরকারে যাবে? দেখি ওরকম পরিস্থিতি নির্বাচনে পরে, এখনই ওটা সব কথা বলে কিছু লাভ নেই। যেটাও হবে নির্বাচনে পরে কীরকম একটা অল্টারনেটিভ সরকার আসবে, কীরকম ফোর্সেস আসবে, এটা সব নির্ভর করবে পরিণামের উপর। সরকার কো হটানা হ্যাঁ বৈকল্পিক ধর্মনিরপেক্ষ তাকতোঁ কি সরকার কো লানা হ্যাঁ अब वो कैसे होगा, किस तरीके से सरकार आएगी, कौन सा होगा, वो सब चीज़ें के बारे में चर्चा भी शुरू हो सकती है चुनाव के बाद। उससे पहले कुछ नहीं होता, ना कभी हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी इतिहास को भी ध्यान में रखिए। जो भी सरकारें बनी है, जो फॉर्मेशन जो सरकार को बनाया है, वो फॉर्मेशन बनी है चुनाव के बाद। ये वीपी सिंह के ज़माने में हुआ, देवगौड़ा के ज़माने में हुआ, वाजपेयी के ज़माने में हुआ, मनमोहन सिंह के ज़माने में हुआ और 2019 में भी वही होगा। कल सीएम ने कहा है कि उन्होंने बच्चा ज्योति बसु जैसे ये लोग लीडर थे, लेफ्ट के लीडर थे, ऐसा लीडर अब आज नहीं है, आज बीजेपी से भिगे हैं जो वामपंथी लीडर है, इसके बारे में क्या बताना? अब जो गुजर गए उनके बारे में बोलना तो आसान है ना, जो गुजर गए उनके बारे में तो बोलेंगे, जैसे आप भी बोल सकते होंगे उनके पार्टी और उनके विचारधारा के लीडरों के बारे में। सवाल हो रही है आज किस विचारधारा पे खड़े हो आप, कौन है हमारा लीडर क्या नहीं, हमारी नीति के बारे में बोलिए और आपके नीति के बारे में बोलिए। असली बात उनसे तो वो भागते हैं और इस तरीके की जज्बाती बातें बोलते हैं। ये जो नारा चल रहा है कि राम का वोट बाम में जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? गलत, एकदम गलत है। वाम का वोट कभी राम में नहीं जाएगा, वाम का वोट जाएगा जनता के साथ रहेगा वाम का वोट, और जनहित के लिए वो काम करेगा अपने वैकल्पिक नीतियों के आधार पर। तो वो तो हो क्या रहा, तृणमूल का वोट जा रहा है राम में हमें भाजपा को, और तृणमूल और भाजपा के बीच ये जो संबंध है ये और गहरा साबित हो रहा है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई जो है वो सिर्फ एक नूरा सुन नहीं है। बंगाल के अंदर ये चल रहा है, पहले तो तृणमूल को हटाया जाए, उसके बाद बीजेपी समझ लिया जाएगा, आपका क्या विचार है इसके अंदर? बीजेपी का आना देश में, फिर उसके बाद का समय कुछ नहीं बचेगा। बीजेपी के ही नेता साक्षी महाराज जैसे कहते हैं कि अगर ये मोदी सरकार वापस आएगा तो 2019 के बाद और कोई चुनाव नहीं होगी देश में, ये उन्हीं के लोग कहते हैं। तो ये बात